हेलो रिसर्चर्स, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं लेट्स रिसर्च। पेड़ हमारे इस इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये ही है जो प्रोड्यूसर का काम करते हैं और पूरी फूड चेन में उपस्थित हर चीज़ को एनर्जी प्रोड्यूस करके उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये ट्रीज़ और प्लांट्स बहुत बड़े से लेकर बहुत छोटे भी होते हैं। देखा जाए तो सिर्फ ये विशाल ही नहीं, बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोच के देखा है कि इन बहुत बड़े पेड़ों में इतना मास आता कहाँ से है, या ये कहे इतने विशाल पेड़ आखिर किस चीज़ के बने होते हैं? तो आइए रिसर्च करते हैं कि पेड़ों को उनका मास कहाँ से मिलता है। पहली नज़र में हम सबको यही लगेगा कि पेड़ शायद जिस मैटर से बने होते हैं वह उन्हें मिट्टी से मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे देखने में सॉलिड ही दिखते हैं, जिससे हमारा यह परसेप्शन और भी सही लगता है। पर क्या हमारा यह सोचना एक्चुअल में सही है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी पेड़ों के नीचे गड्ढे होते, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता वैसे वैसे ये गड्ढे और बड़े होते जाते, क्योंकि वो मिट्टी जाकर पेड़ में डिपॉजिट होती जाती। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा असल में होता नहीं है और स्टडीज़ भी यह प्रूव कर चुकी है। अगर आपको ये चेक करना है तो आप एक गमला लीजिए, उसमें मिट्टी डालकर उसका वजन कर लीजिए, फिर उसमें एक बीज को प्लांट कर दीजिए। जब वो बीज एक बड़ा पौधा बन जाएगा तो उस पौधे को निकाल कर हम सिर्फ मिट्टी और गमले का वजन चेक करेंगे। हम ये पाएंगे कि मिट्टी का वजन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। चलो ये तो पता चल गया कि पेड़ों में मास मिट्टी से नहीं आता, तो फिर ये आता किससे है? आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में वो मास पानी की वजह से आता है, क्योंकि हम उनको पानी देते हैं तभी तो वो बड़े होते हैं, और इसलिए ही तो उनकी जड़ें ज़मीन में दूर दूर तक फैली होती है। लेकिन आपका यह सोचना गलत है, क्योंकि ट्रीज़ मोस्टली कार्बन के बने होते हैं और कार्बन तो पानी में होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी से भी नहीं बनते। लेकिन जब ये मिट्टी से नहीं बनते, पानी से नहीं बनते, तो आखिर ये बने किससे होते हैं? कोई जादू होता है क्या पेड़ों में? एकदम सही, पेड़ों में जादू ही होता है, और आप उस जादू को जानते हैं। वो जादू है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कार्बन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड में कंजर्व हो जाती है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर बनी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस छोड़कर बाहर निकालते हैं वो ग्लूकोज बनकर फिर हमारा फूड बन जाती है। इसका मतलब ये है कि पेड़ों में ये मास कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, या ये कहे हवा से आता है। प्लांट से कार्बन का कुछ हिस्सा जीवित रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बाकी लिविंग बींग्स करते हैं। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और बाकी बचे सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स पेड़ में मास को ऐड करते जाते हैं और पेड़ बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ये है कि पेड़ में असल में मास कार्बन डाइऑक्साइड से आता है और पेड़ एक्चुअल में हवा से बने हुए हैं। है ना बहुत ही कमाल का फैक्ट ये? और सोचिए, इसका मतलब ये है कि हम और पेड़ जिस क्लोज सिस्टम में है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मास लूज करते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मास गेन करते हैं। हम धीरे धीरे पेड़ बनते जाते हैं और फिर उन पेड़ पौधों के कुछ हिस्सों को हम खा लेते हैं और वापस से फिर हम बन जाते हैं। है ना बहुत ही कमाल का साइकिल ये? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका जवाब हम खोज कर आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और आप भी करते रहिए लेट्स रिसर्च।